ठीक है तो यहां हम ले लेते हैं जीरो डेनोमिनेटर कितना दिया है फोर ऐसे तो हम जानते हैं कि नंबर लाइन में वन से लेकर जीरो से लेकर वन तक के बीच में कितने पार्ट होते हैं टेन पार्ट होते हैं जैसे स्केल में होते हैं ठीक है पर यहाँ हमें डेनोमिनेटर फोर दिया हुआ है तो जीरो से लेकर वन के बीच में हम फोर पार्ट करेंगे ठीक है ये वन ये टू पार्ट ये थ्री और ये फोर ठीक है यहां हम ले लेंगे इसे वन वन टू थ्री फोर पार्ट है ठीक है फिर वन टू थ्री और ये फोर ये देखें वन टू थ्री फोर फोर पार्ट हो गए आपके आगे और इसी तरीके से ले लेंगे वन टू थ्री और ये लास्ट में हुआ फोर ये हुआ थ्री ठीक है अब हमें क्या चाहिए है देखें ये दिया है आपको ये जीरो है आपका ये जीरो अपॉन फोर क्योंकि हमने फोर पार्ट लिए हैं तो इसलिए ये जीरो अपॉन फोर ये हुआ वन अपॉन फोर ये हुआ तो टू अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर ओके ये होगा फोर अपॉन फोर फोर अपॉन फोर कितना हुआ वन ठीक है फोर को फोर से डिवाइड हमने किया क्या आया वन ठीक है ये हुआ आपका फाइव अपॉन फोर सिक्स अपॉन फोर ये हुआ सेवन अपॉन फोर ठीक है इसको अगर हम एट अपॉन फोर करेंगे तो देखें फोर वन फोर फोर टू जो एट आ गया टू तो ये हुआ हमारा सेवन अपॉन फोर तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन में रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है ठीक है डायनोमिनेटर देखना है हमको सबसे पहले ओके okay. सेकंड एक और मैं बता देती हूँ आप लोगों को सेकंड वाला भी बता देती हूँ सेकंड में क्या दिया है माइनस फाइव अपॉन सिक्स अब नंबर नेगेटिव है ध्यान रहे इस तरफ आपका क्या होता है वन टू थ्री और ये फोर है ना ये माइनस वाले नंबर होते हैं माइनस वन अपॉन फोर माइनस टू अपॉन फोर ठीक है इस तरीके से तो अब ये हमको नेगेटिव नंबर दिया हुआ है तो फिर हम यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करें जरा ये पेंसिल से करेंगे आप लोग ठीक है मैं यहाँ पर पेन से बता रही हूं तो अब हम जीरो कर देते हैं इस तरफ ठीक है क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव नंबर नहीं है नेगेटिव नंबर करना है हमको तो देखें यहाँ कितना दिया है सिक्स दिया है डेनोमिनेटर तो हम जीरो से लेकर वन में सिक्स पार्ट में जीरो से लेकर वन को सिक्स पार्ट में डिवाइड करेंगे ठीक है ये हुआ वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये हुआ आपका माइनस वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये हुआ आपका माइनस टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आप ये पार्ट ऐसे काउंट भी कर लेंगे ठीक है तो हमें कितना चाहिए माइनस फाइव अपॉन सिक्स तो ये हुआ जीरो अपॉन सिक्स माइनस वन अपॉन सिक्स माइनस टू अपॉन सिक्स माइनस थ्री अपॉन सिक्स माइनस फोर अपॉन सिक्स माइनस फाइव अपॉन सिक्स

करेंगे ठीक है जीरो से लेकर वन को आप यहाँ बीच में इलेवन पार्ट में डिवाइड करेंगे ठीक है और उसके बाद ये नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे ओके नाउ क्वेश्चन नंबर राइट फाइव रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन टू आपको पांच रेशनल नंबर लिखने हैं जो कि टू से छोटे होंगे ठीक है चलिए ठीक है और एक और दिया हुआ है राइट फाइव रेशनल नंबर ग्रेटर देन माइनस टू तो ये लगभग सेम है इसमें स्मॉलर में लिखना है इसमें ग्रेटर ग्रेटर लिखना है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स ये एक से है तो मैं दोनों का एक एक टाइप का क्वेश्चन आपको बता देती हूँ थ्री और सिक्स में एक क्वेश्चन फोर फाइव और सेवन में एक क्वेश्चन ठीक है तो बाकी आप लोग करेंगे ओके okay? तो क्वेश्चन नंबर थ्री राइट फाइव रेसनल नंबर विच आर स्मॉलर देन टू तो बहुत इजी है स्मॉलर देन फाइव रेशनल नंबर फाइव रेशनल नंबर स्मॉलर टू देन टू ठीक है तो टू से छोटे देखें आप क्या क्या हो सकता है टू से छोटा है वन. ठीक छू मतलब वन ये हाफ हुआ ठीक है फिर जीरो फिर माइनस वन अपॉन टू और माइनस वन ये देखें आप कहेंगे कि वन रैशनल नंबर नहीं है मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल सिंपल नंबर होते हैं उसके अपॉन में हमेशा वन होता है ठीक है तो ये हो गया आपके फाइव रेशनल नंबर नाउ क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर आपको दिया हुआ है कि फाइव टेन रेशनल नंबर बिटवीन माइनस टू अपॉन फाइव टेन रेशनल नंबर ठीक है टेन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू माइनस टू अपॉन फाइव एंड वन अपॉन टू अब नंबर्स के बीच में हमें टेन रेशनल नंबर फाइंड करना है तो क्वेश्चन नंबर भी आपका ऐसा ही है और क्वेश्चन नंबर भी ऐसा ही है तो मैं एक बता रही हूँ तो, तो सबसे पहले आप यहाँ देखें कि यहाँ डेनोमिनेटर सेम नहीं है ठीक है तो हम इसके डेनोमिनेटर ऐसे सेम करेंगे कि इनके बीच हमें टेन रेशनल नंबर भी मिल जाए ठीक है और ऐसा नंबर हमको चूज करना है जो इन दोनों की टेबल में आए माइनस फाइव फाइव की टेबल में भी आए और टू की टेबल में भी आए तो देखें माइनस टू अपॉन फाइव तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों फाइव की टेबल में भी आए और टू की टेबल में भी आए तो ऐसा नंबर है एक आपका टेन ठीक है जो इसकी टेबल में भी आता है फाइव की टेबल में भी और टू की टेबल में भी पर उसके बीच हमको रैशनल नंबर नहीं मिलेंगे जैसे आप देखें मैं अगर आपको यहाँ बताऊं कि माइनस टू अपॉन फाइव में अगर हम टू का मल्टीप्लीकेशन करें ठीक है टू का तो फाइव टू से टेन होता है मल्टीप्लीकेशन ध्यान रहे ऊपर नीचे दोनों होना है न्यूमरेटर और दोनों में ठीक है ये हमको कितना मिलेगा माइनस फोर अपॉन टेन मिलेगा और वन अपॉन टू में हम फाइव का मल्टीप्लीकेशन करें डेनोमिनेटर सेम कर रहे हैं ना हम तो अलग अलग नंबर से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ देखें क्या होगा फाइव और ये हुआ टेन अब इसके बीच टेन रेसनल नंबर होंगे क्या देखें माइनस थ्री अपॉन टेन माइनस टू अपॉन टेन माइनस वन अपॉन टेन जीरो अपॉन टेन वन अपॉन टेन, टू अपॉन टेन थ्री अपॉन टेन और फोर अपॉन टेन कितने हुए वन, टू, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट रेशनल नंबर ही हो रहे हैं है ना और हमें कितने चाहिए हैं? टेन चाहिए हैं। नेगेटिव के बाद पॉजिटिव नंबर आते हैं ध्यान है ना ठीक है तो अब हम क्या करेंगे टेन से तो काम नहीं चल रहा है तो अब हम डेनोमिनेटर ट्वेंटी करेंगे तो ट्वेंटी करने के लिए हम किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 का माइनस एट अपॉन ट्वेंटी और ये हुआ टेन अपॉन ट्वेंटी अब इसके बीच हमें टेन रेसनल नंबर मिल जाएंगे ठीक है देखें माइनस एट के बाद क्या होता है माइनस सेवन अपॉन ट्वेंटी माइनस सिक्स अपॉन ट्वेंटी

तो यहां पर रेशनल नंबर्स बिटवीन ये देखिए इन दोनों यहां हम आंसर कैसे लिखेंगे कि हेंस रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर बिटवीन बिटवीन माइनस एट अपॉन ट्वेंटी एंड ट अपॉन ट्वेंटी तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फाइव भी करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स भी सेवन भी करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स का मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया तो वैसे ही आप लोग कर लेंगे ओके टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर टू